जी, सभी का स्वागत है हिंदी सेशन में। तो नमस्ते गोपाल भैया। दीदी शर्मिला दीदी नमस्ते। ये स्लाइड पर नमस्ते हम, ये असाइनमेंट था पिछले दिन का। जी। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते गोपाल भैया, नमस्ते दीदी जी, सभी को नमस्ते। स्वागत आप सबका हिंदी सत्र में। हम अभ्यास 2 कर रहे थे और कल स्टेप 5 खत्म करके हम स्टेप 6 पर आए थे। तो हम धीरे धीरे ये देख पा रहे होंगे कि कैसे हमारा ध्यान किन किन बातों पर जाता है। कभी शरीर पर जाता है, कभी नहीं जाता। बाहर क्या हो रहा है उस पर जाता है, कभी अपने अंदर जो चल रहा है उसमें ही हम खो जाते हैं। इन सब जगहों पर हमें ये दिखे कि ये निर्णय तो मेरा है, मैं ये निर्णय कैसे ले रही हूँ, किस बेसिस पे, किस आधार पर ले रही हूँ। इतना तो तय है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरा ध्यान जा रहा है। मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जब उसको हम प्रश्न उठाते हैं तो फिर हमें दिखता है कि हमारा कुछ हमने उसके प्रति माना हुआ है, हमने उसको महत्वपूर्ण इसीलिए माना है। तो हमारा कोई संस्कार है ऐसा जिसके तहत हमारा ध्यान उस पर जा रहा है सबसे पहली बात। और फिर वो जो सारा प्रोसेस हमने देखा कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, जब हमारा ध्यान उस पर गया, जैसे कि बाहर कुछ घटना घटी है ना। अभी बात हो रही थी इंग्लिश सेशन में, मॉर्निंग है, बारिश का मौसम, बारिश आ रही है, हमारा ध्यान उस पर गया और हमने वो दृश्य को देखा तो संवेदना उठी, आंखों में वो दृश्य बना, मैंने उस संवेदना को पढ़ा और उसके साथ साथ ही मैंने जब पढ़ा तो मैंने कुछ अर्थ दिया। जैसे कि हो सकता है कि आज मुझे बाहर मीटिंग के लिए जाना है और मैंने एकदम साफ सुथरे सफेद कपड़े पहने हैं और मैं बाहर निकलने को जब हूँ तो बारिश आ गई, तो मुझे लगा रे मुझे तो बाहर जाना था, ये बारिश बिना हर बार जब भी मैं बाहर जाना चाहती हूँ तभी चलती। अब ये मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैंने कुछ अर्थ दिया है ना, इसलिए ये चल रहा है, मैंने कुछ मान लिया उसके बारे में इसलिए ये चल रहा है, मेरे अंदर प्रतिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है। और हो सकता है मैं इससे दुखी होती जा रही हूँ। रिएक्शन हो रहा है तब तो दुख हो ही रहा है, इसके साथ साथ मैं कुछ निर्णय लेती हूँ और अपने अंदर जैसे ही हमने प्रतिक्रिया की, भाव हमारा ठीक नहीं हुआ तो उसके तहत हमारे विचार चले, उसके तहत आशा उठी कि बाहर बारिश बंद हो जानी चाहिए, लेकिन बारिश तो चल रही है, हमारी प्रतिक्रिया बढ़ती गई और हमने जो भी निर्णय लिया। एक और स्थिति ये हो सकती थी, बारिश आ रही है, हमने मीटिंग पे जाना है, हमने सफेद कपड़े पहने हैं, कैसे जाएंगे, या तो हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे या एक छाता लेके जाएंगे, वो सब हम तय करेंगे और हम अपने काम पर निकल जाएंगे। दोनों स्थितियों में हम शायद काम पे जाएं, या हो सकता है जब हम पहली स्थिति में प्रतिक्रिया कर रहे हों तो हम ये निर्णय ले लें कि हम जाते ही नहीं बाहर, छोड़ो बारिश है क्या जाना।
लेकिन ये भी हो सकता है कि हम गए भी बाहर और अपने अंदर चिढ़ते कुढ़ते रहे कि हर बार ऐसे ही होता है, अब मेरे को देर हो जाएगी, अब मेरे को ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा या जो भी। लेकिन उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में मेरी स्थिति कुछ और भी हो सकती थी कि बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, जाना तो जरूरी है मुझे, तो मैं कुछ छाता ले लेती हूँ या जो भी करना है वो निर्णय लेके और मैं निकल जाऊं। अब इसमें क्या हुआ, निकले तो दोनों स्थिति, दोनों परिस्थिति बाहर तो सेम ही था, अपनी स्थिति अलग अलग थी दोनों केस में। एक में हम चिड़कुड़ रहे थे, हम अपने अंदर दुखी थे, दूसरे में हम अपने अंदर आराम में बने रहे। इसी तरह से घर में हम काम करके आए, सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं, गंदे बर्तन, हमारे अंदर क्या चलता है, दृश्य दिखा है ना, आंखों में उसका दृश्य बना, हमने उस संवेदना को पढ़ा, हमने कुछ अर्थ दिया और उससे हमारा भाव तय हुआ, विचार, आशा और बाहर का व्यवहार, ये सब फिर उसके बेसिस पर चला। बट हर स्टेप पर मेरा निर्णय है, ये देखे, गंदे बर्तन हैं, एक हो सकता है चलो खाना गर्म करने के पहले मैं फटाफट ये बर्तन धो दूं। ये हमने तय कैसे किया, हम आराम में बने रहे, हमने देखा ये कंडीशन है, चलो इसके लिए मुझे क्या करना है, हमने कर दिया, हो गई, काम तो 10 मिनट में हो गया, और हम फिर खाना गर्म करने में और ना खाना सबको परोसने में और वो सब करने में लग गए। दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि हमने यही दृश्य देखा, संवेदना तो वही उठी शरीर में, मैंने उसको पढ़ा लेकिन मैंने दूसरा अर्थ दे दिया, अरे ये बच्चे कब से हैं घर में, इतना भी नहीं समझते, कम से कम बर्तन साफ करके रख सकते थे, मुझे कुछ हेल्प हो जाती, अब ये मेरे अंदर प्रतिक्रिया चल रही है। और इससे मैं दुखी हो रही हूँ, हो सकता है मैं बर्तन भी जोर जोर से पटक पटक के धो रही हूँ क्योंकि अंदर मैं दुखी हूँ और मुझे लग रहा है कि वो मेरे दुख का कारण है। दोनों कंडीशन में बर्तन मैंने ही धोए, एक कंडीशन में मैं आराम में थी, एक कंडीशन में मैं परेशान थी। ये देखेंगे तो अक्सर होते रहता है, बहुत सी बातें ऐसे घटती रहती हैं दिन भर में जिसमें क्या ऐसा चलता रहता है। ये भी हम नहीं कह रहे कि आप ही सब करें, दूसरे को कुछ ना कहें, लेकिन अगर हमारा भाव सही रहेगा तो बात हो पाएगी। हमारा भाव ही बिगड़ गया तो हम कुछ भी कहने जाते हैं तो या तो हम डांट देते हैं या हम आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं और फिर वो बात आगे नहीं बढ़ती, इसलिए हम अवॉइड करते हैं, बेटर है बात ही नहीं करो क्योंकि ये तो समझ ही नहीं सकते। ये क्या हो रहा है, बाहर तो लगा कि हमारे रिएक्शन कुछ नहीं हुआ लेकिन अपने अंदर तो हम दुखी हो रहे हैं। ये सब बातें हो रही थी स्टेप 5 में भी, स्टेप 6 भी हमने खोला था। तो इन सब के तहत ये हमने असाइनमेंट लिया था कि कल दिन भर में देखना था कि अलग अलग विभिन्न लोगों के व्यवहार पर आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जो भी संवेदनाओं को आप पढ़ते हैं उसको क्या अर्थ दे रहे हैं उस पर ध्यान दें।
तो जैसे कि आपने देखा, एक व्यक्ति है जिसने अच्छे कपड़े पहने और एक व्यक्ति है जिसने पुराने फीके रंग के या फटे कपड़े पहने। हमारे अंदर कुछ अर्थ बनता है। शरीर को कुछ नहीं हुआ, शरीर में संवेदना उठी, आंखों में दृश्य बना, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान उस पर गया, मैंने कुछ अर्थ दिया, है ना? वो अर्थ क्या था, उसके बेसिस पर मेरे अंदर क्या चला, उस पर ध्यान जाए, है ना? कोई धीरे बात करता है और एक व्यक्ति है जो अपनी बात को बहुत जोर शोर से रखता है ना? अग्रेसिव है, अग्रेशन के साथ बात करता है। अगर मेरे अंदर मैं स्थिर हूं तो मुझे दिखेगा ये दूसरे की स्थिति दर्शा रहा है कि दूसरा किस स्थिति में है, उसके कारण वो इस तरह बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं, मेरे अंदर भाव स्थिर नहीं है और मेरे संस्कार वश मैंने उसको कुछ और अर्थ दे दिया, मैंने ऐसा मान लिया कि ये मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, तो मैं अपने आप को डिफेंड करने में लग जाऊंगी ना? तो हम क्या अर्थ दे रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान जाए। कोई व्यक्ति मेरे से सहमत है, हमारी बातचीत हो रही है, मैंने कुछ कहा, उन्होंने भी सहमति हाँ में हाँ भरी, उस व्यक्ति के प्रति मैंने क्या अर्थ दिया, मेरा भाव क्या बना, और किसी दूसरे ने मेरी राय को झटक दिया और बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे से सहमत नहीं हुई, अब मैंने क्या अर्थ दिया, मेरा कैसा भाव बना, उस पर ध्यान जाए, है ना? कोई मेरी भाषा बोलता है, जिस प्रदेश से मैं हूं उस प्रदेश से है, हो सकता है जब उसने कुछ कहा तो मैंने उसको एक प्रकार का अर्थ दिया, वही बात किसी दूसरे ने, दूसरे प्रदेश के, मेरा जो जिस प्रदेश से मैं हूं वहां से नहीं, उसने वही बात कही। या मुझे दो भाषाएं आती हैं, अंग्रेजी और हिंदी, किसी ने वही बात अंग्रेजी में कही, मैंने एक प्रकार का अर्थ किया, वही बात किसी और ने हिंदी में कही, मैंने दूसरे प्रकार का अर्थ किया। मैंने कुछ मान लिया है भाषा के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में। इन सब पर हमारा ध्यान जाए, इसीलिए ये असाइनमेंट था। अपने व्यवहार में आपको इन सब बातों में कुछ अगर अंतर दिख रहा है तो अपने अंदर जांचिए कि अपने अंदर उस समय क्या चल रहा था, क्या हम प्रतिक्रिया में थे अंदर, या हम जिम्मेदारी पूर्वक उस संवेदना को पढ़ के उसको समझ के आधार पर अर्थ दे रहे थे, कैसा हमारा संस्कार है, इस पर बातें हो रही थी। तो आपकी ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं अभी। जी नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। दीदी अभी जैसे आप सब बता रहे थे तो पहले तो एक ऑब्जर्वेशन रखती हूँ। तो पहले तो ऐसे होता था कि मैं ना ऐसे कुछ व्यवहार या कुछ जो मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है उससे भाग जाती थी, वहां से दूरी बना लेती थी। बट अभी जैसे पता चला है कि ये अपने ही संस्कारों पे काम करना है तो मैं वहां बनी रहती हूँ, या फिर और ज्यादा वहां पे फिर अपने को चेक करना है कि क्या संस्कार बने हैं या मैं कैसे हिलडुल रही हूँ, इस ये समझने के अर्थ में मैं फिर थोड़ा सा वहां पे रुकने की ज्यादा कोशिश करती हूँ, या बार बार वो व्यक्ति से बात करके मिलने की कोशिश करूंगी कि क्या मेरा वहां पे संस्कार कितना वो ट्रिगर कर रहा है,
कितनी हद तक मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, ये समझने के लिए मैं उल्टा वहां रुक के और थोड़ा प्रयास करती हूँ अपने पे कुछ काम और कर सकूँ, समझ सकूँ इस अर्थ में, ये एक थोड़ा मैं रखना चाह रही थी। जी जी, काम तो अपने ऊपर करना ही है। कोई रिमाइंडर रखते हैं, कोई कोई तरीका अपनाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमारा ध्यान जाए अपने अंदर और हम इन सब बातों को देखें, क्योंकि इनसे हम सुखी दुखी होते रहते हैं और हमारा ध्यान भी नहीं जाता, है ना। बहुत बढ़िया जी। नमस्ते नमस्ते दीदी। हाँ दीदी, आज सुबह उठने के बाद ही मेरा ऑब्जर्वेशन हुआ, घटना घटी, और मैंने उसको जो अर्थ दिया मुझे ध्यान में आया कि मैंने उसे गलत अर्थ दिया है, और फिर इमिजिएटली उसके बाद ही मेरा ध्यान गया कि सामने वाला डिस्टर्ब है इसलिए ऐसे बात कर रहा होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो हेल्प करनी चाहिए सामने वाले को, क्या प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इसी बात से मैं शिफ्ट हो गई, और बाद में चाय बनाने का प्रोग्राम जो था वो अच्छे से हो गया, नहीं तो पहले वो पूरा बिगड़ जाता और पूरा दिन ही खराब हो जाता था, ऐसे मेरे ध्यान में आया। ये शिफ्ट आज मैं सुबह खुद में देख पाई दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और फिर बाद में मैंने कम्युनिकेट भी किया, मुझे समझ में आया, और सामने वाला भी बहुत आराम में आ गया, ये बात ध्यान में आ गई दीदी मुझे। बहुत अच्छा, बढ़िया और दीदी, जी। यहाँ पे मुझे ये भी ध्यान आया कि मैं क्या अर्थ देती हूँ, तो वहां पे ध्यान में आ गई, तो अभी आगे भी मेरा इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन होगा दीदी, बहुत अच्छा, बढ़िया। कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगी, मतलब कर पाती हूँ, या फिर रिएक्शन के मोड में जाती हूँ, ये मैं ऑब्जर्व करके फिर से शेयर। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि रिएक्शन होगा, देखते हैं दीदी। जी देखिए, रिएक्शन होगा या नहीं उस पर हमारा ध्यान जाए, इससे पहले हमारा ध्यान इस पे जाए कि मेरी सेहत स्थिति क्या है। अगर मैं उस पर ध्यान रखूंगी, सजग रहूंगी, तो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। जी दीदी। आउटकम पे जाने के हाँ पहले हमें जो प्रोसेस चल रहा है ना अपने अंदर, उस पर हमारा ध्यान जाएगा तो वो आउटकम सही ही होगा, है ना। हाँ दीदी, मैं इसको मतलब इंटेंशन तो सभी का सुखी होने का है, कॉम्पिटेंस की कमी है, और इसी बात को मैं रिवाइज करते रहती हूँ खुद में। बढ़िया, जी दीदी, बहुत अच्छे। को नमस्ते दीदी। बहुत ही मतलब जितने जितने हम आगे जा रहे हैं ना, ये सही में, मैं अभी अभी इंग्लिश में भी शेयर किया कि स्टेप नंबर 4, 5, 6 बहुत ही अल्टीमेट है, और उसे हमें हमेशा देखते रहना, और हम दिन भर देखते ही है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि पहले मुझे लोग बोलते थे आप अपने अंदर झांको, हमेशा मेरा जो बिहेवियर था 2-3 साल पहले का, ऑल द टाइम आई वॉज गेटिंग लाइक दिस रिएक्शंस। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जैसा अभी अभी आपने बताया कि उसका आउटकम तो मुझे मालूम है, उसका रिजल्ट मुझे मालूम है, व्हाई नॉट टू चूज द सेम स्टेप्स जिससे मैं आराम में, मेरा आराम बना रहे, मेरी हारमोनी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कि मतलब कॉलेज में कुछ कर रहा हूँ जैसा अभी, तो उससे बाकी लोग क्या बोलने वाले, इसका रिजल्ट मुझे मालूम है, तो उनसे कुछ अपेक्षा रखने के बजाय मुझे क्या करना है, और मुझे अपने आप में हारमोनी कैसे रखना है, अपने आप को मतलब डिस्टर्ब होने से बचाना है, पहले उनको मुझे बोलना पड़ता था तुम जो कर रहे हो अपने आप के अंदर जाको। अभी मैं खुद शांत होके ये देख रहा हूँ कि मैं उनमें जाके देख रहा हूँ कि ये दूसरा भी बिल्कुल मतलब वो परेशान है, इसलिए ऐसा सोच रहे। जी दीदी, 6A ओपन हो रहा है, मतलब संवेदना को अर्थ देना मैं थोड़ा थोड़ा जान रहा हूँ अभी। जी जी दीदी जी जी प्लीज कमेंट। या थैंक यू, थैंक्स अ जी लॉट। अपने अंदर ध्यान रहे, धन्यवाद। इसमें बस एक ही मतलब मैं बात कहना चाह रही थी, इस पर ध्यान रहे कि जब हम दूसरे के बारे में कुछ मूल्यांकन कर रहे हैं, क्योंकि देखें तो इवैल्यूएशन हम करते ही रहते हैं, दूसरे का आंकलन हम करते ही रहते हैं अपने अंदर, है ना। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें दूसरा अपने से भिन्न दिख रहा है,
या दूसरा अपने जैसा दिख रहा है। तो दूसरे की स्थिति कुछ है, लेकिन हमारा ध्यान इस पर भी जाए कि कभी कभी मेरी भी ऐसी स्थिति होती थी, तो एक्चुअली वो परेशानी में है, हम उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सही भाव रख के, अगर हमारा ध्यान इस पर जाएगा कि वो मेरे जैसा है तो मेरा भाव सही रहेगा। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो व्यक्ति तो देखो ऐसा है, उसकी तो समझ ठीक नहीं है, समझ की कमी है, उसमें समझ की कमी है, हो सकता है मेरे में भी कुछ बातों में समझ की कमी है, तब मुझे दूसरा अपने जैसा दिखता है। वरना ये हो सकता है कि मेरे अंदर दूसरे के प्रति अगर सूक्ष्मता से देखें तो विरोध का भाव है। अगर मैं दूसरे को अपने से अलग तरह का क्या अर्थ दे रही हूँ उस पर ध्यान जाए। इतनी बात है, बाकी तो जैसा आपने कहा बहुत अच्छा है। मुझे दिख रहा है कि आपकी शेयरिंग बहुत अलग प्रकार की होती थी शुरुआत में, और एक दो बार मैंने टोका भी था जो आपने नोटिस भी किया था, तो वहां से अभी की स्थिति तो बहुत अच्छी दिख रही है पहले से। ठीक है, बढ़िया हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते सभी को। जैसे कि आज की शेयरिंग है लोगों के व्यवहार के ऊपर, और हम और आपने बोला कि सामने वाले को हम अपने पास पा रहे हैं या अपने से दूर पा रहे हैं। तो दीदी मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल ये मेरे साथ भी होता रहता है, जैसे कॉलेज में रहता है कोई, सामने वाला हायर पोस्ट पे है और सारे फैकल्टी में कुछ होता है, तो ऐसा होगा कि कुछ भी रिएक्शन अगर आता है, कुछ भी काम अगर के बारे में किसी का भी प्रतिक्रिया रहती है, तो कोई अगर अगेंस्ट में भी है, तो ये लगता है कि जो हायर पोस्ट पे बैठा है कि वो पोस्ट पे बैठा हुआ होने के बावजूद ये नहीं देख पा रहा है कि क्या चल रहा है। उसको इन्फॉर्म भी किया जा रहा है बट उसके ऊपर रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है और चीजें किस तरीके से मैनिपुलेट की जा रही हैं। तो बिल्कुल कभी कभी ना इन्फॉर्मेशन मतलब उनको है बट जब हम अपने लेवल पे देख पाते हैं तो रिएक्शन उस तरीके का नहीं होता। तो जी इसमें ना बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं अगर इस परिस्थिति में हूँ, वो मेरे ही जैसा है, मुझसे मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा नॉलेज है, जांच की क्षमता है, क्षमता बहुत अधिक है, तो या अगर अधिक भी नहीं है बट मेरे जैसा है और साथ में है, तो वो चीजों को क्यों नहीं समझ पा रहा है। शायद समझना चाहिए, या तो वो उसकी इग्नोर कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, मतलब उपेक्षा कर रहा है, तो वो किस तरीके से है। और फिर हम क्या करते हैं, जैसे बहुत बार इस तरीके के व्यवहार होने पर फिर हम क्या करते हैं, नहीं वो सामने वाले की ना प्रतिक्रिया ऐसी होगी ही नहीं, वो इस मामले में कुछ करेगा ही नहीं, वो सिर्फ एक सुनेगा और बस ओके। तो यहाँ पर ना अपने उसमें लगता है कि क्या इसने ऐसा ही समझा, ये इसको समझ मतलब आया ही नहीं। तो ये चिंतन हमें अपने अंदर ही अंदर चलता रहता है। तो आप अपने अंदर देखें सबसे पहले, तो जब ये हाँ चल रहा है तो आप सुखी हैं या दुखी हैं? दुखी मैं तो सुखी हो जाती हूँ क्योंकि मुझे पता है होना कि चाहते हैं है कि नहीं, वो आप देख लीजिए इस समय। नहीं, मैं मेरा सिंपल सा एक जैसे सिद्धांत आप कह लीजिए कि मैं अपने सेल्फ में किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहती और ना होंगी किसी के व्यवहार से। मैं ठीक है वहां तक व्यवहार किया, जो सही था वो बोला, बट कोशिश यही रहती है कि मैं डिस्टर्ब ना हो पाऊं। पहले मैं बहुत ज्यादा हो जाती थी,
कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था बट सामने वाले ने किया नहीं, तो उसके व्यवहार से मैं अब ये कह रही हूँ कि नहीं, उसकी समझ उतनी ही है जितनी समझ है, वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो मैं नहीं डिस्टर्ब होंगी, मैं अपनी पीस को नहीं डिस्टर्ब करूंगी, या मैं मतलब अभी गुस्सा हो जाऊं और किसी के ऊपर निकाल दूं कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आ गया और इस तरीके से, तो मैं ये मतलब ये लगता है कि नहीं ओके, इसका व्यवहार इस तरीके का है, ये इस तरीके से ही रिएक्ट करेगा, सिंपल। वो तो फिर मैंने कुछ उसके बारे में मान लिया ना, हाँ बिल्कुल, है ना। देखिए, अगर हम शिकायत क्योंकि मोड मैं में आ रहे किसी को हैं, परिवर्तित नहीं कर सकती, मेरा सिर्फ वर्क ये रहता है कि हाँ ऐसा हुआ था, अब इसमें आपका निर्णय है, आपका जजमेंट है कि आप किस तरीके से रहेंगे, मैंने अपना पक्ष रखा और सामने वाले को उस कंडीशन में छोड़ दिया कि वो उसके ऊपर वर्क करे, वो उसके ऊपर सोचे, ठीक और मैं बात है। देखिए, हमेशा चेक भी करने की बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत सी चेक भी बातें करने। ऐसी हाँ होती हैं जिसमें कि जी हाँ हम जी कुछ अर्थ देते हैं, है ना। हमने हाँ जी हाँ जी अपने साइड से कुछ देखा, हाँ जिस जी चीज को हमने महत्वपूर्ण माना, उसके बारे में हमने, हमारा कुछ विचार था, हमने वो विचार दूसरे के सामने रखा, हाँ जी ठीक है ना। दूसरा, अपने तरीके से अपनी पोजीशन में किस चीज को महत्व दे रहा है वो हमें नहीं पता, है ना। वो अपने तरीके से जिस भी बात को वो महत्वपूर्ण मान रहा है, क्योंकि वो उस पोजीशन में है। हो सकता है हम किसी के बारे में बात कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो ठीक से ये नहीं करता है, और अपने बहुत टाइम, अपने और वो खुद भी ऑब्जर्व करते हैं कि एक अगर सेकंड, मैं हमने इसको, एक टीम को दिया वो टाइमली उसको कर रहा है, देन अगर सेम वाली टीम को देंगे दे आर गिविंग सो मेनी एक्सक्यूज, वो बहुत एक्सक्यूज करेंगे, काम को लेंगे ही नहीं, और फिर वो काम अच्छे से होता भी नहीं है, और फिर भी हमेशा यही रहता है कि अगर हमने ऑफ ले लिया और हम अपना काम निपटा के गए हैं, पूरा अरेंजमेंट करके गए, तो भी फिर ये लगता है कि आप तो छुट्टी हुए थे हाँ आप हाँ जिससे बात कर रहे हैं ना, मुझे तो शिकायत का मूड दिख रहा है ना। अंदर उसमें ही अंदर थोड़ा सा, एक दिखता सेकंड है एक सेकंड, मैं इसको थोड़ी सी बात रख देती हूँ। पर हाँ ना, देखिए, जैसा आपने कहा, दूसरा क्या सोचता है, क्यों क्या करता है, वो हम तभी ठीक से देख पाएंगे जब हमारा विचार, हमारा भाव सही हो, हमारा भाव स्थिर हो, है ना। अगर हम शिकायत मोड में हैं तो उसको थोड़ा सा और बारीकी से देखिए, मेरा भाव सहज स्वीकृत है या नहीं, मैं उसको अर्थ दे रही हूँ। हो सकता है जो चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण है वो चीजें उनके लिए महत्वपूर्ण ना हो, या टीम के बारे में आप बात कर रही हैं, उस टीम ने उनके लिए बहुत सारा कुछ और काम करके दिया हो जिसकी आपको खबर नहीं है, है ना। बहुत सी बातें होती, तो वो उन सब को ध्यान में रखते हुए कुछ डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, मुद्दा ये है कि अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ ज्यादती हो रही है, तो अगर मुझे वो बात भी कहनी है तो मैं तभी कहूं जब मेरा भाव स्थिर है ना। वरना तो वो बात आगे बढ़ेगी नहीं, डिस्कशन नहीं हो पाएगा, आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, है हाँ ना। बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैं अपना भाव स्थिर रखूं, भाव स्थिर रखते हुए फिर मैं उनसे बात करूं, तो हो सकता है उसका जो नतीजा होगा वो और अच्छा निकलेगा। ठीक हाँ है, इस पर जी थोड़ा सा ध्यान दें, जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी ओके, धन्यवाद दीदी। ठीक है, अभी और हैंड्स रेज नहीं है, अब हम जाते हैं स्टेप 6 पर। स्लाइड चेंज कर देंगे, स्टेप 6। ठीक है, तो अभी तक जो बातें हुई,
बाहर की घटनाओं से या शरीर में हो रही घटनाओं से या मेरे अंदर जो कल्पनाशीलता हो रही है उसके तहत शरीर में कुछ संवेदनाएं उठती हैं और उन संवेदनाओं पर हमारा ध्यान जाता है। हमने उनको महत्वपूर्ण माना, इसलिए हमारा ध्यान जाता है। जब हमारा ध्यान जाता है उस संवेदना पर, तो हम उसको कुछ अर्थ देते हैं। वो अपने संस्कार के तहत अर्थ देते हैं। ये जो संस्कार है, ये समझ के साथ जान के मानने पर निर्भर हो सकता है, या फिर ऐसा संस्कार हमने बना लिया है जो बिना समझे कुछ मान कर, हमने कुछ मान लिया, उसके बेसिस पर हम वो अर्थ देते हैं। जो भी हम अर्थ देते हैं उसी के तहत हमारा भाव, विचार, आशा ये सब चलते हैं, और फिर वहीं से हमारा निर्णय तय होता है कि हमारा बाहर व्यवहार कैसा हो। ये सब बातें हम लोग स्टेप 5 में कर रहे थे। अभी स्टेप 6 में हम ये देख रहे हैं कि मैंने जो भी अर्थ दिया, जब मेरे अंदर समझ नहीं है या समझ का अभाव है और मैंने कुछ मान लिया दूसरे के बारे में, बाहर के बारे में, जो भी है मान लिया, वो मान के मैंने जो अर्थ दिया उसके पीछे क्या प्रोसेस हो रहा था और मेरा बाहर जो रिएक्शन हो रहा है उसके पीछे भी ये जो पूरा प्रोसेस था, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसको अगर देखेंगे, जो कि हम स्टेप 6 में बात कर रहे थे, अगर हम इसको देखें कि जब भी हम, हमारा संस्कार कोई मान्यतावश हमने बना लिया है जो समझ के बिना बना लिया है, तो मैं अपने अंदर हर क्षण सुखी हो पाऊंगा ये तो होगा नहीं। जब मैं अपने अंदर सुखी ही नहीं हो पाऊंगा तो फिर मैं बाहर से सुख पाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए सारा मुद्दा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं अपने अंदर सुखी नहीं हूं, इसलिए मैं बाहर सुख पाने की आशा से कोई भी संवेदना को या दूसरे से भाव पाकर मैं सुखी होने का प्रयास करती हूँ, उसी में ही लगी रहती। और इस पूरे प्रोसेस में अगर मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित हो जाते हैं तो क्या होगा कि जो संवेदना मुझे अच्छी लगती है, प्रिय लगती है ना, मैं उसी को बार बार चुनूंगा, उसी को महत्व दूंगा, उसी को लंबे समय तक ना उसका आस्वादन लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं उससे सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये जो मैंने सोचा मैं सुखी हो गया, ये एक प्रकार का आवेश ही है ना, एक्साइटमेंट ही है, रिएक्शन ही है, और मैं इस अनुकूल संवेदना को बनाए रखना चाहता हूं। इसी को कहा राग या तृष्णा, आसक्ति। बट इसमें क्या हो रहा है, संवेदना हो या दूसरे का भाव हो, दूसरे का भाव जो अनुकूल है मैं चाहता हूं कि वैसा ही बना रहे, है ना, तो मैं निर्णय वैसा ही लूंगा जिससे कि दूसरे का वैसा भाव बना ही रहे, उसके लिए मेरा प्रयास रहता है।
तो अंदर ही अंदर ये क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया ही चल रही है, क्योंकि मेरे अंदर सुख का भाव निश्चित नहीं है, इसलिए मैं बाहर से पाने का प्रयास कर रही हूं। इसी तरह अगर मुझे कोई संवेदना अच्छी नहीं लगती, अपने लिए प्रतिकूल लगती है, या दूसरा कोई भाव ऐसा रख रहा है मेरे लिए जो मुझे सही नहीं लगता, प्रतिकूल लगता है अपने संस्कार के आधार पर, तो मैं फिर आवेश में आ जाती हूँ, मैं दुखी हो जाती हूँ और उस संवेदना को हटाने का प्रयास करती हूँ। इसको कहा द्वेष। तो अगर हम नीचे की क्रियाओं में बने रहते हैं तो हम इन दोनों के बीच में घूमते रहते हैं, राग और द्वेष, लाइक एंड डिसलाइक। जो लाइक करते हैं उसकी तरफ हम चिपकते जाते हैं कि ये और उसको बढ़ाते जाएं, वैसी संवेदना या वैसे जो भाव रखते हैं, इसलिए हम कोई कोई लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। और जब भी ऐसा होता है कि कोई संवेदना ऐसी है जो हमें प्रतिकूल लगती है, हमें पसंद नहीं आती, हम डिसलाइक करते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं, उससे दूर भागते हैं। कोई मेरे लिए अच्छा भाव नहीं रखता तो हम उसको अवॉइड करते हैं, इनसे तो दूर ही रहो, है ना। तो बाहर तो ये घटना घटी, बट अपने अंदर क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया चल रही है। हम अपने अंदर सुखी फिर भी नहीं है। कुछ क्षण के लिए जब बाहर से हम संवेदना से सुख पाने के प्रयास में लगते हैं, हमें खुशी होती है, एक तरह का प्लेजर है, एक्साइटमेंट है, लेकिन हम उसको बनाए नहीं रख सकते, इसलिए फिर या तो उसके साथ चिपकते जाते हैं, या जब नहीं हो पाता तो अपने अंदर दुखी हो जाते हैं। तो इन सब में प्रॉब्लम ये है कि हम अपने में स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के ऊपर हमारी परतंत्र रहता है, दूसरे के ऊपर या कोई भौतिक रासायनिक वस्तु पे जिससे कि हम संवेदना पाने के प्रयास में लगे हैं। तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम स्वतंत्र नहीं। नेक्स्ट स्लाइड लगाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मेरे निर्णय संवेदना से प्रभावित होते हैं तो अलग अलग स्थिति परिस्थिति में मैं प्रभावित हो जाता हूँ। हो सकता है कुछ चीजें मैंने इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी तो मुझे उसका पता ही नहीं चला, लेकिन परिस्थिति बदली और कुछ ऐसी बात हुई जिसको मैंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है, वहां मैं प्रभावित हो गई। और ये तो प्रतिक्रिया मेरे अंदर चली ही और मैं दुखी हुई इससे। अब इसके आगे अगर मुझे, मेरा निर्णय ये होता है कि अभी मैं बाहर व्यक्त करूं, तो फिर मैं शरीर को कुछ संकेत देती हूं और उसके तहत बाहर अभिव्यक्त होता है ये। तो इसमें देखें तो ये जो एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं ना, दूसरे जो भी भाव अभिव्यक्त करते हैं उस पर प्रतिक्रिया, कि दूसरा ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसे करना नहीं चाहिए था, ये प्रतिक्रिया चल रही है ना। गुस्सा आता है, शिकायत करते हैं, उनकी चाहना पर डाउट करने लगते हैं, वो तो चाहता ही नहीं है, वो तो तंग ही करना चाहता है मेरे को, ऐसा है ना। कोई भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ उसके प्रति हमारा रिएक्शन,
जैसे कि ठंड के मौसम में आवश्यकता से अधिक कपड़े पहनना, थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा नहीं, हमने अखबार में पढ़ा या आजकल तो मीडिया में देखा कि आज का लोएस्ट टेम्परेचर इतना होगा, अरे बाप रे बहुत ठंड है, और हमने दो दो तीन तीन मोजे पहन लिए, तीन चार कोट पहन लिए कि आज तो बहुत सर्दी है, हमको तो ना ठंड लग जाएगी। ये आवश्यकता से अधिक पहनना, ये एक तरह का रिएक्शन ही हुआ। शरीर की स्थिति के प्रति, जैसे कि सरदर्द उठा और तुरंत हमने डॉक्टर को फोन लगाया और ना हॉस्पिटल भागे, टेस्ट कराओ, सीटी स्कैन कराओ, कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा अर्थ दिया जिसकी वजह से हम घबराहट में हैं। या दूसरी तरफ तेज बुखार उठा, लेकिन हम कह रहे नहीं नहीं हम तो ना शरीर नहीं है, ठीक है जो भी होता है शरीर को हो रहा है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम उसको साइड कर देते, नजरअंदाज कर देते हैं। ये भी एक तरह का रिएक्शन है ना। और स्वयं में जो परेशानी चल रही है उसके आधार पर भी जो कुछ संवेदना उठती है जिसको हम पढ़ते हैं, है ना, जब हम चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, उसके तहत कोई संवेदना उठती है, उसको पढ़ते हैं, उसको कुछ अर्थ देते हैं, फिर उसके प्रति भी प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि मुझे घबराहट हुई, मेरा ध्यान उस पर नहीं है अभी, मुझे घबराहट हो रही है, लेकिन उस घबराहट के वजह से मेरा दिल की धड़कन बढ़ गई है और मेरा ध्यान उस पर जाता है, और मुझे लगता है अरे बाप रे कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे शरीर में, और मैं डॉक्टर के पास भागती हूँ दवाई देने के, दवाई लेने के लिए। लेकिन अगर मेरा ध्यान जाता है उस पर तो मुझे दिखता कि मेरा ही भाव गड़बड़ था इसलिए ऐसा हुआ, तो ये भी हो सकता है। ये बात थी स्टेप 6 से, इस पे कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं, वरना हम स्टेप 6 B पर जाएंगे। कोई प्रश्न या कुछ शेयरिंग इस पर तो अभी ले सकते हैं। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ है स्टेप 6 B, स्टेप 6 B पे जाते हैं। स्टेप 6 B में अब क्या है, दूसरी तरफ अगर मेरा जो निर्णय है ये सही समझ पर आधारित है तब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सही समझ पर आधारित हमने जो भी निर्णय लिया उससे इतना तो तय है कि हम अपने अंदर आराम में होंगे, और सही समझ होगी तो हम अपने अंदर निरंतर आराम में रह पाएंगे, सुखी रह पाएंगे। अब जो संवेदना आ रही है, अपने में आराम में बने रह के हम उस संवेदना को पढ़ पाते हैं और उसको एक ना ठीक ठीक मूल्यांकन करके उसको कुछ सही अर्थ देते हैं, है ना। और जब हम उसको सही से देख पाते हैं तो फिर उसके साथ क्या ना आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे अभिव्यक्त करना है, वो सब निर्णय हम ठीक से ले पाते हैं। इसमें क्या रहेगा, दूसरी इकाई के साथ हम दूसरी इकाई के लिए कैसे पूरक हो सकते हैं उस पर हमारा ध्यान जाता है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी आराम में बने हुए हैं। आराम में बने हुए हैं तो हमारा हमें दिखता है कि हमारा संबंध ऑलरेडी है दूसरे के साथ, वो संबंध के तहत
हमारे अंदर संबंध का भाव रहता है, और उसके साथ हम हमारा प्रयास इसमें होता है कि हम क्या कर सकते हैं दूसरे की सहायता करने के लिए, दूसरे के लिए हम पूरक कैसे हो सकते हैं, उस पर हमारा ध्यान रहता है। भला बुरा कह दिया है ना, जो भी भाव वो व्यक्त कर रहा है, हमें ये दिखता है ये तो उसकी स्थिति है, मुझे उससे परेशान होने की, आवेशित होने की आवश्यकता नहीं है, गुस्सा करने की, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो उसकी स्थिति दिखा रहा है, उसमें सही समझ नहीं है, वो परेशान है, उसे मदद की जरूरत है ना, वो मेरे से आश्वस्त नहीं है, उसे आश्वस्त करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो मैं अपने अंदर सही भाव, सम्मान का भाव, विश्वास का भाव, ये सब रख के प्रस्तुत हो सकता हूँ। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मैं अपने अंदर मेरा भाव स्थिर नहीं है, तो ये जो दूसरे का मूल्यांकन है ना, वही चूक हो जाती है। तो इसलिए दूसरे को मूल्यांकित करने के लिए, दूसरे को समझने के लिए, सबसे पहले मुझे स्थिर होना आवश्यक है। मेरी स्थिरता के साथ, जब मेरा सही भाव रहेगा, उसके साथ जब मुझे दिखता है कि दूसरा परेशान है, दूसरा प्रॉब्लम में है, तो मेरा ध्यान उस पर जाता है कि मैं इसकी मदद कैसे करूं। अगर वो मेरे से आश्वस्त नहीं है, तो मैं उसको कैसे आश्वस्त करूं। बेस्ट तरीका क्या है उसका? मैं अपने अंदर सही भाव रखूं, सही व्यवहार के साथ प्रस्तुत हूं, तो धीरे धीरे वो आश्वस्त होगा। जब वो आश्वस्त होगा, तो फिर मैं उसके समझ के लिए काम कर सकती हूँ, उसके सहयोगी बन सकती हूँ। इसी तरह वातावरण में कुछ भौतिक रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसका भी मैं सही से मूल्यांकन कर पाती हूँ कि भाई जो भी ठंडी हो रही है, जो भी हो रहा है, वो एक जो बाहर के नेचुरल लॉज हैं उनके तहत हो रहा है। ठीक है, ठंडी है, थोड़ी ज्यादा ठंडी है, थोड़ा गर्म कपड़ा पहन लेंगे, ठीक हो जाएगा, तो उसके अनुरूप ही हम कपड़ा पहनेंगे। बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट, और जैसे पैनिक स्टेट में आ जाते हैं ना, अरे रे रे बहुत ज्यादा ठंडी है, चार 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 मोजे जो बात हो रही थी, वो सब नहीं करेंगे, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से पहनेंगे। इसी तरह शरीर की स्थिति का मूल्यांकन भी हम सही से करेंगे। कैसे? जैसे सिर दुखा, तो हर सर दर्द के लिए डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि हमने आज पानी कम पिया, तो ज्यादा पानी पी लें, लौट के देखें कि हमने खाना क्या खाया था, शायद कुछ हैवी खा लिया, गैस बन गई, उससे सिर दर्द हो रहा है, तो ठीक है, अगले मील में हम कम खाएंगे या केवल फल लेंगे या जो भी है, उस तरह से हम क्या आवश्यकता है उसके बेसिस पर हम निर्णय लेंगे। इसी तरह मेरी स्थिति का मूल्यांकन, कि मेरे अंदर ऐसा भाव चला इसलिए शरीर में ऐसी संवेदना उठी, यदि मैं भाव ठीक कर लूं तो वो संवेदना अपने आप शांत हो जाएगी, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि संवेदना जो भी हो, बाहर दूसरे का भाव कैसा भी हो, मैं अपने अंदर स्थिर बनी रही, मैं अपने अंदर आराम में बनी रही, सही समझ के आधार, तो मैं स्वतंत्र हूँ। दूसरे की क्या स्थिति है, परिस्थिति है, बाहर क्या परिस्थिति है, दूसरे की क्या स्थिति है, इससे मेरे ऊपर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता,
मैं अपने अंदर स्थिर हूँ, मैं अपने अंदर आराम में हूँ, सुखी बनी हूँ। और फिर इस सुख की स्थिति में बने हुए मैं शरीर के माध्यम से अपने भाव विचार को बाहर व्यक्त कर पाती हूँ। दूसरे का व्यवहार, कार्य, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, शरीर की स्थिति, इन सब का मेरे सुख की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं स्वतंत्र रहती हूँ, स्वयं में व्यवस्थित रहती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। तो स्वयं में सही समझ के आधार पर मेरा भाव विचार सही रहता है ना? वो सही समझ के ही आधार पर तय होता है और किसी भी बाहर की घटना से प्रभावित नहीं होता। मैं आराम में रहती हूँ, निरंतर सुखी रह पाती हूँ। बाहरी जो भी संकेत आ रहे हैं, है ना, उनका मैं सही से मूल्यांकन कर पाती हूँ। चाहे वो शरीर में कुछ हो रहा है या बाहर की कोई परिस्थिति है ना, मैं उन सब को, सबका ठीक ठीक आंकलन करके कुछ मूल्यांकन करती हूँ। मेरी इच्छाएं, मेरे भाव निश्चित रहते हैं और मैं संबंध के साथ अपनी जिम्मेवारी को समझती हूँ। तो अपने शरीर के लिए क्या जिम्मेवारी? शरीर का संरक्षण, शरीर का संवर्धन, सदुपयोग, दूसरे मानव के साथ व्यवहार में न्याय, जब मुझे दिखा कि दूसरा मेरे जैसा है ना, चाहता वही है जो मैं चाहती हूँ, तो संबंध में न्याय और उभय सुख की पूर्ति, शेष प्रकृति के साथ भी ऐसा कार्य करना जिससे कि उभय समृद्धि हो, प्रॉस्पेरिटी हो, मेरे लिए भी और नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, और बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, मानवीय समाज के लिए काम करने का प्रयास। तो बाहरी संकेतों और घटनाओं को ठीक ठीक मूल्यांकन करके मैं ये तय कर पाती हूँ कि जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें मैं किस प्रकार परस्पर पूरक हो सकती हूँ, किस प्रकार अपनी जिम्मेवारी को ठीक ठीक निर्वाह कर पाती हूँ। तो मैं दूसरे के साथ जिम्मेवारी से प्रस्तुत होती हूँ। इसमें क्या शिफ्ट हुआ? बाहर कोई कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, यहाँ से शिफ्ट होके मेरा ध्यान अपने ऊपर गया कि मैं क्या कर सकती हूँ, दूसरे के लिए कैसे पूरक हो सकती हूँ, ये शिफ्ट हुआ मेजर। इसमें कोई प्रश्न या कोई ऑब्जर्वेशन तो अभी ले सकते हैं। जी नमस्ते। हेलो, नमस्ते दी, नमस्ते टू एवरीवन। नमस्ते। दी, मुझे ये पूछना था, जैसे कोई है, जैसे नेबर है हमारे, मैंने ऑब्जर्व किया, तो आई नो वो थोड़ा डिस्टर्ब लगती है मुझे, तो मे बी शी हैज सम प्रॉब्लम्स। तो वो ब्लैबर करते रहती है, मतलब हमारे बारे में, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि ये थोड़ा डिस्टर्ब है, व्हाटएवर, तो इग्नोर कर देती हूँ, मतलब मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, रिएक्ट नहीं करती हूँ वैसे। लेकिन जैसे अगर आप अपने लव्ड वंस के बारे में कुछ सुनते हो तो अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर भी तो उसको कैसे, मतलब कि वो भी डिस्टर्ब ना हो, तो उसको कैसे कर सकते? हाँ देखिए, वही हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब क्या हो रहा है अंदर, हमने कुछ एक तरह का अर्थ, रिएक्शन तो होता हाँ रिएक्शन हो रहा है, हमने उसको कुछ अर्थ दिया, भाई हमारे लिए महत्वपूर्ण है, फिर दूसरा किसी और बात में कुछ कहे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन हमारे बच्चे के बारे में बोला तो हम बहुत ना उसको महत्व देते हैं, हम प्रभावित हो जाते हैं। तो एक तो अपने अंदर देखें कि हमें प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, वो जो भी कह रहे हैं वो उनका व्यू है ना, वैसा ही है, ऐसा जरूरी नहीं है ना।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रभावित हो रहे हैं तो प्रॉब्लम हमारा है, ये भी ठीक है ना। अभी उनके उनके ऊपर ध्यान देने से ज्यादा हम अपने में ध्यान दें कि ये प्रॉब्लम तो मेरा है, मैं प्रभावित हो जा रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं प्रभावित हुई तो मेरा मूल्यांकन उनके लिए गलत हो जाएगा, ठीक से नहीं मैं मूल्यांकन कर पाऊंगी। और फिर अगर मैं कुछ बात करने गई तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए, इसलिए फिर हम चुप हो जाते हैं। लेकिन अपने अंदर ही हमारे अंदर प्रतिक्रिया चलती जाती है, तो हम अपने अंदर की स्थिति को पहले शांत करें, है ना। देखें कि वो जो भी कह रही हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से कह रही हैं, उनकी ओपिनियन है, वो ऐसा है ही, ऐसा नहीं है। फिर जब हम अपने अंदर शांत होंगे तब फिर हम उनको आश्वस्त करेंगे, फिर उनसे बात भी हो सकती है ना। सबसे पहले अपने अंदर शांत होना पड़ेगा, ठीक है। माइक म्यूटेड है, ठीक है। समय भी हो गया है, अगर कुछ और इस पे ओके डिस्कशन है तो कल बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू हाँ जी थैंक यू। तो अभी यहाँ हम अभी यहाँ रोक सकते हैं।